हेलो फ्रेंड, मैं उमेश बंजारे और आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन पॉइंटर। जैसे कि हमको पहले से पता है पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल। पॉइंटर ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने में होल्ड करके रख सकता है। पॉइंटर के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पॉइंटर में हम विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि दो नंबर्स को जोड़ना है तो एडिशन है ना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सारे ऑपरेशन हम पॉइंटर की सहायता से कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं पॉइंटर में, पॉइंटर की सहायता से कहना चाहिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखते हैं। ठीक है, मतलब एक नंबर्स में डिक्रीमेंट करके देखते हैं और उसमें इंक्रीमेंट करके देखते हैं और नंबर्स को जोड़ करके देखते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए एक प्रोग्राम देखते हैं और प्रोग्राम के माध्यम से समझते हैं कैसे पॉइंटर की सहायता से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, चलिए प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले यूज होता है आपका हेडर फाइल हैज इंक्लूड stdio.h। ठीक है, उसके बाद दूसरा हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन वाइड मैन। ठीक है, ओपनिंग ब्रेस, और यहां पर मैं तीन वेरिएबल लेता हूं, है ना, ए बी एंड आर। उसके बाद दो पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं और पॉइंटर वेरिएबल को हमेशा एस्ट्रिक सिंबल के साथ लिखते हैं, पी वन एंड पी टू। ठीक है, ए में कुछ वैल्यू स्टोर करके रख देते हैं जैसे कि 5, और बी में कुछ वैल्यू स्टोर करके रख देते हैं जैसे कि 10। ठीक है, अब पॉइंटर वेरिएबल पी वन में ए के एड्रेस को स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ए के एड्रेस को स्टोर करके रख दिए। उसके बाद पी टू में हम बी के एड्रेस को स्टोर करके रख दिए। ठीक है, अब एक बार इसको हम प्रिंट टेप की सहायता से प्रिंट करा लेते हैं स्क्रीन पे। उसके लिए प्रिंट टेप परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना, और यहां पे P1। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, P1 जो पॉइंटर है उसकी सहायता से A में स्टोर जो वैल्यू है इसको हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसी प्रकार B में जो वैल्यू है इसको पॉइंटर P2 की सहायता से प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट एफ बी परसेंट डी कामा उसके बाद P2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ए में जो वैल्यू है उसको पॉइंटर की सहायता से इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इंक्रीमेंट के लिए हम प्लस प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, है ना, दो बार प्लस, इसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। उसके बाद पॉइंटर P1। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट एफ ठीक है, उसके बाद एक बार बी में स्टोर जो वैल्यू है 10, ठीक है, उसमें डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं पॉइंटर की सहायता से। तो डिक्रीमेंट के लिए यूज होता है आपका माइनस माइनस एंड P2। ठीक है, उसके बाद इसको प्रिंट करा लेते हैं एक बार फिर से। प्रिंट एफ
ठीक है, कामा पी टू। ठीक है, अब हम एक एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो उसके लिए पी वन प्लस पी टू, ठीक है, अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट एफ और इसको हम आर में स्टोर करा देते हैं। ठीक है, आर में स्टोर करा दिए इसके रिजल्ट को। ठीक है, उसके बाद इसको प्रिंट करा रहे हैं हम आर और ये सेमीकॉलन। ठीक है, उसके बाद आपका गेट सी एच फंक्शन रहता है। ठीक है, और आपका मेन फंक्शन क्लोज और आपका प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है पॉइंटर की सहायता से। तीन वेरिएबल लिए हैं ए बी और आर, और दो पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं पी वन और पी टू। ठीक है, ए और बी के एड्रेस को हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, पॉइंटर पी वन और पी टू में होल्ड करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ए और बी में जो वैल्यू है उसको पॉइंटर की सहायता से पी वन और पी टू की सहायता से क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पी वन में जो सॉरी ए में जो वैल्यू है 5 है ना, उसको पी वन पॉइंटर की सहायता से उसमें इंक्रीमेंट करा रहे हैं उसकी वैल्यू में। ठीक है, उसके बाद उसको प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बी में जो वैल्यू है 10 है ना, उसको उसमें पॉइंटर की सहायता से डिक्रीमेंट करा रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब ए और बी का वैल्यू चेंज हो चुका है ना, और उस वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और जिसको पुनः हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आउटपुट में आएगा आपका ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10, ठीक है, प्लस प्लस ए 6 है ना, और डिक्रीमेंट हो गया है आपका, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और उसके बाद पी वन प्लस पी टू इक्वल टू 15, इतना रिजल्ट हमको मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।